सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रन टिल डेथ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 19th नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट जो कि गुजरात में होने जा रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो यहाँ पे AFI ने कंपलसरी किया है कि सब जो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन है उसको ट्रायल्स लेने तो ही वो वहाँ पे एंट्री जो है नीट एग्जाम के लिए भेज सकते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, आई एम नाउ प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट 19th एडिशन ऑफ नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप, ये 19th एडिशन है, वो देखो कहाँ होने वाला है, सरदार पटेल स्पोर्ट्स सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, तो वो यहाँ पे होगा इन कोलेबोरेशन विथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात साथ में कोलैब करेगी और 16 to 18 February 2024 है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये यहाँ पे एड्रेस दिया गया है जहाँ पे होने वाला, और एलिजिबिलिटी देख सकते हो क्या है इसका एलिजिबिलिटी, जो एथलीट्स जो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन है जो डिस्ट्रिक्ट मीट कराएगी वही एंट्री भेज सकती है ये नीट एग्जाम के लिए। आप ऑनलाइन एंट्री खुद से आप नहीं भेज सकते हो, और उसके साथ अगर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन मीट कराती है तो उसके साथ ऑनलाइन एंट्री में क्या क्या भेजना है वो भी यहाँ पे दिया गया है। रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मीट, प्रेस कटिंग और फोटोग्राफ्स ऑफ द मीट, ये भी भेजना है। और जो सर्टिफिकेट इश्यू किए जाएंगे वो ऑनलाइन इश्यू किए जाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा। और नंबर ऑफ इवेंट्स एन एथलीट कैन पार्टिसिपेट, ये देख सकते हैं अंडर 16 में एथलीट कैन पार्टिसिपेट इन वन इवेंट एंड इन सेम इवेंट मैक्सिमम टू एथलीट, मतलब एक एथलीट है वो एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है अंडर 16 में, और वो इवेंट में एक डिस्ट्रिक्ट चाहे तो दो एथलीट्स को सेंड कर सकती है, मैक्सिमम दो एंट्री वहाँ पे भेज सकती है। और देख सकते हैं अंडर 14 में एथलीट कैन चूज एनी वन ऑफ द ट्रायथलोन, मतलब यहाँ पे तीन ट्रायथलोन दिया गया है, वहाँ पे एक ट्रायथलोन चूज कर सकती है एक एथलीट, तीनों में से कोई भी एथलीट, और वो कंपलसरी अंडर 14 के लिए किड्स जैवलिन थ्रो, यहाँ पे देखिए अंडर 16 के अंडर 14 के लिए किड्स जैवलिन थ्रो कंपलसरी विथ 5 meter रनवे। तो ट्रायथलोन ABC देख सकते हैं, इसके अंदर सब अलग अलग है, इस ए में 60 meter है, देन लॉन्ग जंप 5 meter अप्रोच एंड हाई जंप सीजर स्टाइल में करना है, देन ट्रायथलोन बी में 60 meter है, लॉन्ग जंप है 5 meter अप्रोच के साथ, बैक थ्रो करना है 1 kg शॉर्ट पुट, और ट्रायथलोन सी में देख सकते हो तो 60 meter लॉन्ग जंप 5 meter अप्रोच एंड 600 meter रन। यहाँ पे बॉयज अंडर 16 में देख सकते हो क्या क्या इवेंट है, 60 meter है, देन 80 meter हर्डल्स बॉयज़ गर्ल्स का देख सकते हो, यहाँ पे हर्डल्स का लेंथ है थोड़ा ऊपर नीचे है, देन 600 meter रन है बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, हाई जंप है सीजर स्टाइल में करना है, लॉन्ग जंप है 5 meter अप्रोच के साथ, शॉर्ट पुट स्टैंडिंग करना है फॉर बॉयज़ 4 kg, फॉर गर्ल्स इट्स 3 kg, देन जेवलिन थ्रो 600 gram फॉर बॉयज़, 500 gram फॉर गर्ल्स, एंड पेंटेथलोन में देख सकते हैं 60 meter रन, 80 meter हर्डल्स, लॉन्ग जंप 5 meter अप्रोच, शॉर्ट पुट बॉयज़ में 4 kg, देन गर्ल्स में 3 kg, देन 600 meter रन करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एज ब्रैकेट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप 19 February 2010 से लेके 18 February 2012 के अंदर बॉर्न करते हो तो आप अंडर 14 में आते हो, और अगर आप 19 February 2008 to 18 February 2010 को बिलोंग करते हो, इन दोनों डेट के बीच में आप आते हो तो अंडर 16 में आते हो। और मिनिमम एज लिमिट फॉर पार्टिसिपेशन देख सकते हो वो अंडर 14 होना चाहिए एज ऑफ डेट, 18 February को आप अंडर 12 हो जाना चाहिए अगर आपको अंडर 14 में पार्टिसिपेट करना है, तो आप मिनिमम 12 इयर्स का होना चाहिए एज ऑफ 18 February 2024 फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर जो 18 साल के नीचे है वो एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। और ऑनलाइन एंट्रीज देख सकते हो आपको AFI ऑनलाइन एंट्री AFI के वेबसाइट पे ही लिया जाए, फॉर ऑनलाइन एंट्री एवरी एथलीट हैज़ टू रजिस्टर ऑन AFI UID, मतलब आपको AFI का जो UID होता है वो आपको बनाना पड़ेगा, फिर बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आपको अपने सीनियर्स या कोचेस से पूछना पड़ेगा कि हमारे स्टेट में या फिर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मीट कब होने वाली है तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। देखिए फॉर ऑनलाइन एंट्री ईच डिस्ट्रिक्ट विल, फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रायल दोगे तो वहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन अगर होगा तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको वहाँ पे एंट्री ऑनलाइन वापस सेंड करेगी,
तो यहाँ पे यही लिखा गया। और देख सकते हो 1 जनवरी टू 1 फरवरी 2024, तो मतलब समझ जाए कि इसके बीच आपका आपके स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रायल्स हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी टू 1 फरवरी इसके बीच ये लिंक ओपन रहेगा, तो इसी के बीच आपके ट्रायल्स पक्का होना का ज़रूरी है। देख सकते हो अंडर 14 एज कैटेगरी एक डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम 4 एथलीट्स एंड कर सकते हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऑनलाइन एंट्रीज विल बी एक्सेप्टेड, एंट्रीज विल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन व्हाट्सअप और ईमेल और एनी अदर मोड। लास्ट डेट एंट्री देख सकते हो 1 फरवरी 2024, मतलब आप समझ जाइए 1 फरवरी से पहले आपके डिस्ट्रिक्ट में ये मीट हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना। एज वेरीफिकेशन होगा वहाँ पर, ये भी दिया गया है मैंडेटरी। फॉर आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी लाना होगा, अगर आप यहाँ पे नेशनल खेलने जाते हो तो नीट जम्प। प्रूफ ऑफ एज में देखिए क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इशू होना चाहिए आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट या 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट वो भी लेके आ सकते हो। फूड एंड अकोमोडेशन आपको लंच दिया जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में देख सकते हो यहाँ पे लंच दिया गया है 15 फरवरी टू 19 फरवरी तक आपको लंच मिलेगा। ये देखिए लंच दिया गया है यहाँ पर लंच है, तो इसका आपको ध्यान रखना है क्या क्या मिलेगा क्या क्या, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक और ख़ास की बात है कि ये जो दिया गया रेल टिकट वो आपको दिया जाएगा अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो, अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो वो नहीं जाए। और ये आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आएगा, ये डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अकाउंट में जाएगा और वो डिस्ट्रिक्ट आपको देगी, ना कि आपके पर्सनल अकाउंट में आएगा। और यहाँ पर ये भी लिखा गया इम्पोर्टेंट, ये देखिए अगर जो एथलीट ओवर एज हो जाएंगे उसको कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ये देख सकते हैं। विल नॉट ओवर एज फाउंड विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट टी ए फूड अकोमोडेशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं जो भी ओवर एज एथलीट है कृपया ध्यान रखें, वो पकड़ा है ना, तो आपके लिए यही बेहतर होगा। और देख सकते हो AFI इस फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग देंगे, मैक्सिमम 13 एथलीट एंड 2 ऑफिशियल्स पर डिस्ट्रिक्ट, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट इससे कम ही भेजेंगे, 13 या 12 लोग भेजेंगे और 2 ऑफिशियल्स भेजेंगे। अगर ज़्यादा देते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट को खुद का कहते हैं पैसा भरना पड़ेगा। और यहाँ पे ये दिया गया है कि हम कोई जिम्मेदार नहीं होते, आपका अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे लेंगे, उसमें आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मिसअप हो जाता है, उसका जिम्मेदारी AFI नहीं लेती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दिया गया कि COVID-19 का प्रोटोकॉल फॉलो करना है, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट जो देगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर हमारा रन टिल डेथ इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे भी कांटेक्ट कर लेना। सो गाइस मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।